नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही वह सटीक न्यूज़। दोस्तों, मैं जो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, कल रात को 10:41 पर आई है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको आज सुबह है वो बता रहा हूँ। कल बहुत ज़्यादा लेट दोस्तों ये न्यूज़ आई थी। आप देख सकते हैं कल की मंत्रिपरिषद की बैठक के संभावित एजेंडे, यानी कि दोस्तों जो ये मंत्रिपरिषद की मीटिंग है वो आज होने वाली है। कल ये न्यूज़ प्रकाशित की गई थी रात को 10:41 पर, अनलॉक करने के मापदंडों और गाइडलाइन को लेकर होगा निर्णय। ये आप देख सकते हैं हमारे लिए जो महत्वपूर्ण खबर है, उच्च शिक्षा की परीक्षा कराने या नहीं कराने को लेकर होगा निर्णय। यदि परीक्षा नहीं कराई तो क्या हो सकता है फॉर्मूला, इस पर भी दोस्तों है वो चर्चा किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि उच्च शिक्षा की परीक्षा कराने या नहीं कराने को लेकर के होगा निर्णय। यदि परीक्षा कराई तो क्या हो सक नहीं कराई तो क्या हो सकता है फॉर्मूला, इसे लेकर के दोस्तों होगा विचार। यानी उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर के दोस्तों आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसमें फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। अब कई विद्यार्थियों का दोस्तों ये कमेंट भी आ रहा है कि रोज़ ये अपडेट आ रही है कि आज फाइनल डिसीजन आएगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आ नहीं रहा है। कल भी पूरी संभावना थी कि फाइनल डिसीजन है वो कल गवर्नमेंट के द्वारा है वो आ जाएगा, लेकिन कल दोस्तों इसके लिए नहीं आया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यह चाहते थे कि उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर भी निर्णय है वो मंत्रिपरिषद की एक बैठक के बाद में प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ही कोई निर्णय लिया जा सके। जिस प्रकार आपको पता होगा कि CBSE ने बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल किया था, उसके बाद में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के ये कन्फर्म था कि अब बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो किसी भी राज्य में होना संभव नहीं है, लेकिन राजस्थान में दोस्तों अगले दिन है वो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई, उसमें प्रॉपर रूप से ये जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करने का है वो पास करवाया गया मंत्रिपरिषद के द्वारा, और उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं हैं वो इस बार नहीं करवाई जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में भी मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद में ही ये निर्णय लिया जा सके। हमारी उम्मीद यही है कि राज्य सरकार है वो विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेगी। जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव है उन कक्षा के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया जाएगा, और जिन कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं डिग्री की वैधानिकता, भविष्य और करियर को देखते हुए इम्पोर्टेंट है उनकी परीक्षाएं भी ओपन बुक मोड में है वो आयोजित करवाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के साथ में है वो किसी भी प्रकार का है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सके। और हमारा दोस्तों है वो साफ साफ यही मानना है कि प्रोविजनल प्रमोट है वो किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों को नहीं किया जाना चाहिए। जिन कक्षा के विद्यार्थियों का प्रमोशन संभव है उनको आप जनरल प्रमोट ही करिए, लेकिन जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन नियमों के अनुसार सही नहीं है उनके लिए आप ओपन बुक पद्धति से जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक वो एग्ज़ाम शुरू कर दीजिए, ताकि विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है वो ख़त्म हो, वो अपनी परीक्षाएं दे सके और अपने अगले कक्षा की या कम्पिटिटिव एग्जाम की है वो तैयारी भी सुचारू रूप से कर सके। यदि आप विद्यार्थियों से ऐसा कहते हैं कि नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट में हम आपके एग्ज़ाम लेंगे, तो विद्यार्थी अपने किस कक्षा की तैयारी करेगा जिसमें आपने उसको प्रोविजनल प्रमोट किया है, उस कक्षा की तैयारी या जिस कक्षा से वो प्रोविजनल प्रमोट होकर के आया है उस कक्षा की, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में कर पाना है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि आपको करना है तो जिन कक्षा के विद्यार्थियों को संभव है जनरल प्रमोट करिए, अदरवाइज जिन कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं इंपॉर्टेंट है उनकी ओपन बुक मोड पर है वो परीक्षाएं आयोजित करिए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने है वो परीक्षाएं आयोजित की है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने है वो परीक्षाएं आयोजित की है, सेम का सेम वही पैटर्न है वो राजस्थान सरकार को अपनाना चाहिए। राजस्थान सरकार ही क्यों, हर सरकारों को वैसा ही पैटर्न है, वो विद्यार्थी हितों में है वो अपनाना चाहिए। ये हमारी दोस्तों राजस्थान सरकार से लगातार मांग रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों जो निर्णय है वो लगभग मानकर चलिए आप शाम के 5 बजे के आसपास आ सकता है, क्योंकि जो ये मंत्रिपरिषद की बैठक है वो दोपहर को दोस्तों 3 बजे है वो आयोजित होती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो भी बैठक आयोजित होती है वो मानकर चलिए लगभग 2 से 2.5 घंटे तक चलती है। फिर भी दोस्तों हमारा है
वो हर समय आज इस न्यूज़ पर है वो नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, हो सकता है आपके पास किसी वीडियो का नोटिफिकेशन ना पहुँचे तो लगातार चैनल को विजिट करते रहें। धन्यवाद। इस न्यूज़ का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं आपको प्रूफ के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाकर के खुद चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।